प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर होस्ट निमरा अहमद को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाजी लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। और आज हमारे साथ आप सबका जाना माना चेहरा, जिनकी ना सिर्फ भारत में बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी बहुत फैन फॉलोइंग है। आज हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली भारत की बेटी, जिनको बोला जाता है एडवोकेट नाजिया लाई खान। सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्कार। अब बोलो जय जय श्री राम। अभी मतलब नमस्कार तक आई हूँ, चलो मैं तुम्हारे मुंह से बुलवा ही दूंगी जय जय श्री राम। एकदम बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंज लेकर के बोल रहे, भारत माता की जय। नमस्कार नमस्कार निमरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम साथ में बैठ रहे हैं, जरूर टॉपिक जबरदस्त ही होगा। बिल्कुल मैम, आज हम बात करेंगे, रिसेंटली हमने कंट्रोवर्सी के बारे में भी सुना, जो कि काफी वर्ल्ड वाइड बहुत से मीडियाज ने भी कवर की। मालदीव्स ने बहुत बदतमीजी की थी, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे पीएम मोदी के बाद, लेकिन हमने देखा कि वो रिमार्क्स पास करने के बाद मालदीव्स को खुद ही आइसोलेट होना पड़ा था, बड़ी हेट मिल रही थी। और मालदीव्स की मैंने काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स भी देखी है, काफी ज्यादा उन्होंने बाद में बटरिंग भी की है ताकि भारत से आने वाला पैसा और एड ना रुके। अभी वही मालदीव्स कह रहे हैं कि भारत हमें अंडे गंदुम चावल जितनी भी कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स है वो सारे देता रहे, और भारत ने बोला जैसे हम हेल्प करते हैं वैसे करते ही रहेंगे। तो मालदीव्स शुक्रिया बोल रहा है, क्या कहेंगे आप? मोहम्मद मुइज़ू जो कि बड़े प्रो चाइना है, तो चाइना से मदद क्यों नहीं मांगी उन्होंने? पहली बात कि चाइना बेचारा ऐसे ही आप लोगों को मदद करते 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 इतना दबा और कुचला हो चुका है कि अब चाइना की कोई औकात ही नहीं बची है, अब चाइना को कोई इज्जत दे ही नहीं रहा है। मेड इन चाइना के सारे सामान को देश विदेश ने ऐसा थूक डाला है कि अब चाइना मतलब धीरे धीरे, और हमने शायद सेशन किया था बहुत पहले 3-4 महीना पहले के, चाइना के जीडीपी से लेकर के इकोनॉमी सब 25 साल के बाद गिरती भी नजर आ रही है, और चाइना के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं और चाइना के जितने भी लीडर हैं मिनिस्टर्स हैं वो काफी परेशान है कि जिस हिसाब से मेड इन इंडिया का की तरफ के प्रोडक्ट की तरफ पूरी दुनिया का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग बायलेटरल रिलेशन भारत के साथ सबसे ज्यादा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो चाइना का डिमांड खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना को आप लोगों ने इतना ज्यादा मतलब सरमथे चढ़ा दिया है अपना बाप बना करके कि अब चाइना आपको बचाते बचाते आपको संभालते संभालते अब परेशान हो चुका है। तो और देखिए, चाइना के साथ पाकिस्तान जुड़ा है, सबको पता है कि पाकिस्तान चाइना को आखा मानता है, और यहाँ तक कि चाइना का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था कि ये जो जालीदार टोपी और ये जो चुटकी दाढ़ी रखे हो और चटाई जो हाथ में लिए हुए हो ये रख दो और अभी का नमाज पढ़ लो और उसके बाद फिर रिहाब में सीधा जाओ, जब तक इस्लाम का भूत सर से नहीं उतरेगा तब तक बाहर नहीं निकलने देंगे। और 2027 तक का टारगेट चाइना ने दिया है कि चाइना में एक भी मस्जिदें नजर नहीं आएंगी, हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो अब आती है बात भारत की। देखिए, भारत तो बहुत खूबसूरत है, हम संस्कृति से चलते हैं, संस्कार से चलते हैं। हमारे भारत की संस्कृति में पहले शांति होती है और जब शांति कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है तब क्रांति आती है, तब हम क्रांति लेकर आते हैं। जब मोइज़ू ने भारत को डिफेम और डेरोगेटरी रिमार्क करने का आगाज किया था तब भी भारत में ना ही मोदी जी ने कुछ बोला था मालदीव्स के अगेंस्ट में, ना ही डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा था, ना ही अजीत डोभाल जी ने कहा था, किसी ने भी कुछ बुरा मालदीव्स को नहीं कहा था। हमने सिर्फ लोगों को ये बताया, मोदी जी के माध्यम से लोगों को ये बताया गया कि वाई मालदीव्स, वाई नॉट लक्षद्वीप, सिर्फ इतना ही बताया गया। तो हमारे भारत में जब इतनी खूबसूरत जगह है, जब हमारा भारत इतना खूबसूरत है, तो फिर मालदीव जाने की जरूरत क्या है? और बस मोदी जी की एक आवाज और एक 3 फोटोग्राफ आने थे कि बस मालदीव के हाथ में भी पाकिस्तान के जैसा हरा हरा कटोरा आ गया और कटोरा में भीख मांगना उनका स्टार्ट हो गया। मालदीव को ऐसा लगा था कि भारत से टक्कर लेकर के या भारत के साथ एक झगड़ा कर करके मालदीव का चल जाएगा,
पर मालदीव्स के मोइजू के खुद के कैबिनेट मंत्री और मालदीव्स के ऑपोजिशन लीडर्स ने जब मालदीव्स को ये मालदीव्स के मोइजू को ये एहसास दिलाया कि भैया तू मोइजू से माउस बन चुका है, तूने भारत से झगड़ा कर लिया, ये तूने सबसे बड़ा बुरा काम किया है, ये तूने मतलब अपनी गरीबी को और अपने अपने भीख मांगने के कटोरे को तूने खुद दावत दिया है और तू भी अब पाकिस्तान की तरह हाथ में कटोरा ले लेगा। याद करें कि इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद किया था, याद करें 2019 में इमरान खान ने कहा था हमें भारत से कोई मतलब नहीं है, हमें भारत से कोई ट्रेड नहीं करना है। हमने कहा ठीक है आपको नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। और आज हर रोज पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो युवा हैं, जो पब्लिक है, वो गाहे बगाहे एक हिडन तरीके से भीख मांग ही लेती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाले भारत से कि चलो भाई अब तो गुस्सा छोड़ दो भारत वाले और हमारा जो है वो दूरदशा बहुत खराब हो चुका है पाकिस्तान का, अब थोड़ी सी मदद कर दो। लेकिन भारत हमेशा बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत चलता है। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जिन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय और श्लोक को हमारे भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ते हैं, जो सनातन धर्म के लोग जो अध्याय श्लोक और जो जो वेद और ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें मानवता सबसे पहले है, सबसे पहले मानवता है। और जो हालात मालदीव्स के अभी हो गए थे उस हालात में अनाज देना बहुत जरूरी आन पड़ा था। निम्रा मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आने वाले 3-4 महीने के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान से कई गुना बेटर हालात पीओके के हो जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी नजर है पीओके पर, हमारी पूरी नजर है। हम पीओके को बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, पीओके में हम बिजली देना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं, हम पीओके में स्कूल देना चाहते हैं, हम पीओके को नौकरी देना चाहते हैं लोगों को, पीओके के लोग खुद जो एनर्जी बनाते हैं, जो खुद जो गैस निकालते हैं और वो सब पाकिस्तान लेकर के चला जाता है और बेचारे वो हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांग रहे होते हैं। आपके यहाँ इतना मुबारक महीना पूरी दुनिया में रमजान चल रहा है, कहा जाता है कि रमजान में शैतान बंद हो जाते हैं, पर देखिए प्रिया अगवा हो गई, पर देखिए 2 दिन पहले एक 14 साल 7 महीने के बच्चे के साथ एक इस्लामिक प्रीचर ने एनल सेक्स कर लिया मस्जिद के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की एक आदत हो गई है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने की। अब भारत और मालदीव्स में जो भी थोड़ा बहुत था, जो मालदीव्स ने अपना एक नेगेटिविटी दिखाई थी, उसके बाद वो खुद माफी मांगा है, उसके बाद फिर वो घुटने के पल बैठा है, उसके बाद फिर वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो रहा है, उसके बाद फिर वही मोदी जी को बार बार बटरिंग करने की कोशिश कर रहा है, बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें आपका क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल है? मैं पूछना चाहती हूँ आपकी सरकार से निम्रा कि आपकी सरकार आपके पाकिस्तान की बहु बेटियों की सुरक्षा और छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या स्टेप ले रही है? आप हमसे तो पूछते हैं कि मालदीव से फिर से भारत का रिलेशन अच्छा हो गया, हमने खाना भेज दिया, मैंने आपको क्लियरली बता भी दिया, बल्कि पूरा स्टेटमेंट ही मैं लेकर के बैठी हूँ। और ये यहाँ का न्यूज नहीं है, ये मालदीव के न्यूज पेपर का न्यूज है और उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि मोइजू जो है वो बहुत शर्मिंदा है कि उसने भारत के खिलाफ जो भी अभद्र टिप्पणियां की थी वो उसको वापस ले रहा है। ये मालदीव्स का न्यूज़पेपर है जो वहां आता है मॉर्निंग में, ये भारत का नहीं है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है, हमने बता दिया। अब मुझे आप ये बात बताएं निम्रा कि आपके इस्लामिक प्रीचर ने एक 14 साल 7 महीने के लड़के का पजामा क्यों खोल करके अनल सेक्स किया? क्या आप मुझे दूसरी बात बताइए, क्या मुसलमान मर्द का काम पजामा खोलना ही है, या चाहे वो औरत का हो चाहे वो मर्द का हो? क्योंकि करते वो वही है। अगर हाफिज सईद ने बम बारूद दे दिया तो वो उसको फेंकते हुए नजर आएगा, अगर उसको दाऊद इब्राहिम ने तलवार दे दिया तो वो तलवार से लड़ते हुए नजर आएगा मुसलमान मर्द, और नहीं तो फिर एक औजार पहन के जिप के अंदर रहता है, उस औजार को चलाते हुए नजर आता है मुसलमान मर्द। इसके अलावा मुसलमान मर्द करता क्या है? इसके अलावा तो मुसलमान मर्दों का कोई काम ही नहीं है। अब आती है तीसरी बात कि आपने कहा कि चाइना से क्यों नहीं मांगा, मैं तो पूछना चाह रही हूं कि मालदीव्स के मोइजू ने पाकिस्तान से मदद क्यों नहीं मांगी? पाकिस्तान से मदद मांग लेता ना, क्योंकि सबसे ज्यादा उछल तो पाकिस्तान रहा है।
अरे फिर से मालदीव जो है वो भारत के साथ जुड़ गया जाकर के, अरे देखो बांग्लादेश के अपोजिशन लीडर ने कह दिया कि बॉयकॉट इंडिया, शेख हसीना खुद स्पीच देने लगी कि भारत को अगर बॉयकॉट करना है तो अपने अपने बहु बेटियों की साड़ी जला दो, इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने भारत के पक्ष में शेख हसीना ने दे दिया। आखिर आप कभी सोचते नहीं हो निम्रा कि आखिर अरब इतना रिफॉर्म कर रहा है, आखिर आपसे निकला हुआ बांग्लादेश इतना रिफॉर्म कर रहा है, कतर इतना रिफॉर्म कर रहा है, पूरा पूरा यूएई इतना रिफॉर्म कर रहा है, मिडिल ईस्ट पूरा रिफॉर्म कर रहा है, यहाँ तक कि ईरान जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ था, हिजाब में बंधा हुआ था, उनको जब समझ में आया कि उनकी मस्जिदों में अब नमाजी आना बंद कर दी है, तो ईरान ने भी कहीं ना कहीं भारत से अपने ठीक किया और ठीक करके अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की। सारे मुसलमान देश धीरे 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 कर करके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग 2-3 साल पहले तक अफगानिस्तान पर मीम बनाया करते थे, अफगानिस्तान के लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, आज अफगानिस्तान आपसे कोसों दूर आगे निकल चुका है, कोसों दूर, आप उसको छू भी नहीं सकते। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की बेटी नाजिया अली खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जो पाकिस्तान का चचेरा भाई है मालदीव्स उसको भी उसके औकात दिखा दी। और एक बात नाजिया अली खान जी ने बिल्कुल सही कही कि भारत इतना खूबसूरत है कि हमें मालदीव्स जैसे देशों में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।